पहले मैं वाटर लूँगा। वाटर लेने के बाद इनका थोड़ा जो ज़ख़म है उसको धोने वाला हूँ। ज़ख़म धोने के बाद यहाँ पे जो भी सांप के बैक्टीरियाज है और जो भी सांप का वेनम लगा है आसपास में, तो वो क्लीन हो जाएगा। क्लीन होने के साथ मैं सबसे पहले लेने वाला हूँ एक छोटा सा ब्लेड। ब्लेड लेके मैं इनका हाथ अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार गैलरी। आज के दिन का एक फिर से हम वीडियो बना रहे हैं जो सांप काटने के बाद हम क्या कर सकते हैं, मतलब अगर हमें स्नेक ने बाइट किया तो हम तुरंत घर का इलाज क्या कर सकते हैं और उसके लिए मटेरियल क्या क्या चाहिए, तो मैं उसके बारे में आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और मेरे पास में एक स्पेक्टिकल्ड कोबरा भी है, उसको भी रिलीज़ करूँगा। रिलीज़ करने के पहले जो सांप बाइट करता है तो उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करके दिखाने वाला हूँ। तो ये हमारे साथ हमारे रफीक भाई साहब है जो बेलगाम से हमें मिलने के लिए आए थे। तो ये बहुत दिन से हमें कह रहे थे कि हमें आपसे मिलना है, हमसे आपसे बात करना है। तो यही सांप के सिलसिले में इनको भी बहुत ज़्यादा जानकारी है, तो इनका एक बेलगाम में सोशल वर्क भी चलता है, तो इस वजह से ये आज हमें मिलने आए हैं। तो ये बहुत अच्छा आज का दिन हमें मिला है मौका इनके साथ वीडियो बनाने का। तो मैं आज एक्सप्लेन करके आपको दिखाने वाला हूँ कि सांप बाइट करने के बाद हम लोग क्या क्या कॉस्मेटिक यूज़ कर सकते हैं और तुरंत हॉस्पिटल जाने के अंदर हमें 30% तक इलाज हम लोग खुद अपनी सुरक्षा बना सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ आखिरी तक जुड़े रहिए, तो मैं दिखाऊंगा कि हम लोग क्या क्या उसके साथ सांप को काटने के बाद हमें क्या करना है वो मैं आपको आगे चलकर वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए बैठिए रफीक भाई। तो सांप काटने के बाद हम लोग पहले क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं वाटर लूँगा। वाटर लेने के बाद इनका थोड़ा जो ज़ख़म है उसको धोने वाला हूँ। ज़ख़म धोने के बाद यहाँ पे जो भी सांप के बैक्टीरियाज है और जो भी सांप का वेनम लगा है आसपास में, तो वो क्लीन हो जाएगा। क्लीन होने के साथ मैं सबसे पहले लेने वाला हूँ एक छोटा सा ब्लेड। ब्लेड लेके मैं इनका हाथ काटने वाला नहीं हूँ, ये गलतफहमी आप ना पाले। और एक आपको सिरेंज लेना है, सिरेंज वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको काटना है। जो ये ऊपर वाला आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है तो इसको सबसे पहले काट लेना है। और तब तक आपको एक और काम करना है, बिल्कुल भी सांप काटने के बाद डरना नहीं है, बिल्कुल भी सांप काटने के बाद डरना नहीं है। हम लोग इसको ऐसे काट लेना है और ये वाला हिस्सा जो है निकल गया, तो अभी हमारा सिरेंज बन गया एक एयर वाला पंप हो गया। ये जो है एयर पंप है, एक ये रेडी हो गया। तो आपके घर में जो भी कपड़ा हो, ये जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फास्ट एड का कपड़ा लिया है, तो जो भी आपके घर में घरेलू जो कपड़ा होता है कॉटन वाला, तो उसको आप पहले ऐसे रोल करना है। ये ज़्यादा दबाना नहीं है, जैसे कि इसको ज़्यादा पुश नहीं करना है, जैसे कि हमें ब्लेड से ये फट सके इतना ही हमें इलाज करना है। देखिए अभी जैसे कि मैं रूल कर रहा हूँ, हल्का सा धीरे से, ज़्यादा पुशअप नहीं करना है। तो इसको हम लोग बहुत धीरे से बांध रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये गैप है, यहाँ पे गैप है और यहाँ पे भी गैप है, इतना। मतलब इससे ये बांधने से क्या होता है, यहाँ पे जो सांप ने हमें काटा है तो ये हमें सांप का जो पॉइजन है ऊपर जल्दी नहीं पहुँचे, धीरे से पहुँचता है। तो हम लोग इसको बांधने के बाद ये भी अपना काम बना सकता है, जैसे कि ये आप स्टिक देख रहे हैं, ये स्टिक को सतर्क रखता है, यहाँ पे स्टिक को सतर्क रखता है और हाथ ज़्यादा मोमेंट नहीं होता। अगर से आप ऐसे हाथ मोमेंट करते रहें तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने के कारण पॉइजन जो है जल्द से जल्द तुरंत आपके बॉडी में चला जाएगा। तो इस वजह से हम लोग एक आपको लकड़ी का एक आसान तरीका दिखा रहे हैं, ये भी ऐसे रख के हम लोग बांधने से हमें ये एक बहुत अच्छा काम करता है, मतलब स्टे रहता है, स्टेबल जो हाथ रहता है। तो उसमें हमें यहाँ पे सांप काटने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा देरी होती है कि सांप का जो वेनम होता है वो बॉडी में चढ़ने के लिए देरी होती है। तो उसके बाद हम लोग इस पर जो है अभी हम लोग यहाँ पे सिरेंज को रखेंगे, तो इसको अभी ऐसे खींचेंगे। जब भी आप देख रहे हैं इसको जहाँ पे सांप का दांत पड़ा हुआ है, जहाँ पे मार्क पड़ा है, तो हम लोग इसको अभी रख के यहाँ से ऐसे खींचेंगे। तो ये देखिए आप जैसे कि देख रहे हैं इनका स्किन इसके अंदर आ रहा है, देख रहे हैं जो इनका स्किन है जो अंदर आ रहा है।
तो इसी के साथ जो भी सांप का विनम जो अंदर गया होता है तो इसके साथ बाहर आता है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐसे निकालेंगे तो इसको फिर पुश करेंगे और उसके बाद फिर से डालना है, फिर से निकालना है, फिर से आउटसाइड बाहर छोड़ देना है। तो ऐसे करने से हम लोग का ये 30% काम बेहतर कर सकता है। 30% में हम लोग आराम से 70% जो हमारे पास बचता है तो हमारी तबीयत बहुत बेहतर हो सकती है और हॉस्पिटल में जाने के बाद भी हमारी जान बन सकती है। तो मैं अभी इसके बारे में जो एक्सप्लेन किया है, अगर से मेरे तरफ से कुछ भी चूक हुई हो तो मुझे आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं। और रफीक भाई, ये मेरा प्लान आपको कैसे लगा? बहुत अच्छा है आपका प्लान। मतलब जो भी है, आपको हॉस्पिटल जाने तक का टाइम, अगर आपको कोबरा ने काट लिया है तो यहाँ से आपको हॉस्पिटल अगर दूर है तो आप ये इलाज करके थोड़ा वक्त आप बढ़ा सकते हैं। सही। तो अभी जैसे कि रफीक भाई ने बताया, हॉस्पिटल अगर दूर हो तो हम लोग इस काम को बना के हॉस्पिटल पे जाकर अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो ये काम हमारे लिए बहुत कारगर साबित होता है। जबकि मुझे भी एक स्पेक्टिकल्ड कोबरा ने बाइट किया था, तो मेरा ट्रीटमेंट बहुत देर होने के कारण तो मुझे ये ऑपरेशन का काम करना पड़ा। तो ये सब काम आपके साथ ना हो, इस वजह से मैं एक आसान तरीका आपको दिखा रहा हूँ और भी मैं इसके बारे में एक्सप्लेन भी करके आपको दिखाऊंगा। तो ये जो अभी यहाँ तक हुआ जो मैंने दिखाया, ये एक सही से आसान प्लान है। और गड़बड़ी में लोग ये भी करते हैं कि अभी सांप यहाँ पे काटा है तो इसको ऐसे कस के गांठी मार देते हैं, ऐसे कस के गांठी मार देते हैं। गांठी मारने के बाद जैसे कि अभी यहाँ पे हमें एक स्पेक्टिकल्ड कोबरा ने बाइट किया है, तो ये जो वेनम होता है यही पे होता है, यही पे होता है, यहाँ पे नहीं जाने देंगे। ये लोगों का गलत तरीका है, ये जो है लोगों का गलत तरीका है। अगर से वेनम यहीं पे रहने से क्या होगा पता है, अंदर का जो मीट है वो फूल जाएगा और वो फटने के चांसेस भी होते हैं। जो आपके यहाँ पे नर जो होते हैं, जो यहाँ पे नसें होते हैं, वो नसें फटने की चांसेस भी होती हैं और आपका हाथ बर्बाद होने के कगार में आ जाता है। तो ये तरीका जो है ये बिल्कुल ही सही नहीं है, इसको बिल्कुल भी मायने ना दे। ये जो भी लोग करते हैं, रस्सी बांधते हैं, कपड़ा बांधते हैं फिट, ऐसा इसका तरीका नहीं है। जो मैंने आपको तरीका दिखाया है, जो फास्ट एड किट से बांधना है और लकड़ी बांध के उसको स्थिर रखना है, स्ट्रेट रखना है, स्टेबल रखना है, तो ये तरीका आप बहुत आसानी से अपना सकते हो। तो मेरे वीडियो को देखते हुए इसको शेयर भी करना, क्योंकि बहुत से लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। और इस जानकारी के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ लोगों को कि कभी भी सांप काटने से ब्लेड से ना काटे और ना ही कोई हथियार यूज करे। सीधे आपको पहले फुर्सत में हॉस्पिटल में जाके तुरंत से तुरंत इलाज कर ले, ना कि ऐसे कपड़े गांठ भरने की कोशिश करे और ना ही ब्लेड से फाड़ा फाड़ी करे, क्योंकि ब्लेड से फाड़ने से कभी कभी आपके नसों पे भी घाव लग सकता है और आपका ब्लड ज़्यादा बाहर जाने से आप अनकॉन्शियस हो सकते हो। उससे अनकॉन्शियस होने के बाद आपको पैरालिस अटैक होने के कारण आपकी मौत भी हो सकती है। तो मैं इतना कहते हुए मेरे स्पेक्टिकल्ड कोबरा को भी यहाँ पे रिलीज़ करने वाला हूँ, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, स्पेक्टिकल्ड कोबरा को यहाँ पे रिलीज़ करेंगे।